हाँ गुल्लू, अरे कोई अता पता नहीं है जीजाजी का, बहुत टेंशन है यार। ओ तुम चिंता मत करो, उम्मीद है मिल जाएंगे जल्द से जल्द। ना चांस ही नहीं है। अरे दीदी तो बेचारी रोज मेन गेट पे खड़े रह के उनकी राह देखती रहती है। लेकिन मैं तो पीछे के दरवाजे से आऊंगा चुपके से। कुछ पता चले तो बताना। मुझे पता चल गया। सुन बे चौधू मल, यहाँ सीरियस बात चल रही है। हवस का नंगा नाच करना तो बाहर जाके कर। ताली पहला क्या यार, तेरा पांचवा हो गया, इसका चौथा हो गया पहले से खड़ा, ये ज्यादा छक्के मारा, इसका छठा हो गया बसीम का सबसे लास्ट। हाँ कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा गुल्लू। हाँ ओके खुदा हाफिज। मैंने अंकल के लिए ऑबिचुअरी लिखी है, पेपर में प्रिंट होगा तो वादा लोग आएंगे। इन लविंग मेमोरी ऑफ माय फादर, कहाँ गए आप किसी को पता नहीं। यहाँ मम्मी की आंखें रो रो के फूज गई और आप वहाँ पता नहीं क्या क्या फुजा रहे हो। घर में रोशनी की लौ बुझ गई लेकिन आप वहाँ हवस की आग बुझा रहे हो सके तो लौट आना पर किसी लेडी बॉय से मत मरवाना। पकड़ लिया। भारत के नियम अनुसार जो आया आज अखबार में, बॉल जिसकी होगी पहले वो खेलेगा। ये तो 1 जनवरी 2018 से लागू होगा बसीम। चल फिर भी तेरा दूसरा सही है। मेरा कौन सा? तू अगले साल के लिए, तू बाद में, तेरा लास्ट में खेलेगा तू, सही है। कुछ पता नहीं चला तो मैं बैंकॉक निकल लूंगा। मैं भी वही सोच रहा था, तू और मैं चलेंगे बैंकॉक, एक एक गली छान मारेंगे और जीजा जी को लेके आएंगे। मैं भी हलूंगा, बैंकॉक से मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है फिर तीनों की टिकट बुक करा देता हूँ, मैं भी चलूंगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है जो चारों जाके वहाँ टोमेंटिनो फेस्टिवल में चिकनी लड़कियों के बदन पर टमाटर रगड़ेंगे। जीजा जी को ढूंढने जाना है, बहुत सीरियस मिशन है। मैं जरा अपनी वाली को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो मेरे नाम का सर्च वारंट निकाल देगी। हाँ कविता सुनो, वो मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम्हारे लिए वो कढ़ी चावल बना के गया था, खा लिए थे? बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने हाथ की जरूरत पड़ी। कल रात को जो फोटो भेजी थी देखी क्या? अरे कोई नेवला झाड़ी में से नहीं झांक रहा था, वो मैंने ट्रिम नहीं किया काफी दिन से। वो सब छोड़ो, मैं शाम को बैंकॉक जा रहा हूँ, वहां से तुम्हें कुछ चाहिए मेरे होते वैसा गिफ्ट। बाय। चल कोई नहीं, विकेट चिन दिया, कोई बात नहीं, ले जाएंगे सभी। ले कोई जा रही है। अबे क्या पैरों में मेहंदी लगी पड़ी है तेरे, इतनी आराम से निकल लिया। बहुत बढ़िया। अबे कलुआ के लोंडे, तब मारूंगा बता रही हूँ तुझे साले। भाफड़ी के मोटी दाल मोट लेने जा रही हूँ, 5 रुपए की, तब मारूंगा सुअर। 5 के लिए ही है मेरे लिए भी। ले मेरा कद्दू खा ले। बहुत बढ़िया ना, गली थोड़ी हो गई है, अमरनाथ की यात्रा हो गई। साले सारे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तेरी बहन का सुअर काट। पहली डेट से 25 तक है मेरी दिहाड़ी, कर लो सारे जिंगल 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 जिंगल। सेंटा मेरी क्रिसमस, बच्चों मेरी क्रिसमस, तुमने इस साल हरामी पने में PhD कर ली। ओ, ओ, ओ। आपको कैसे पता, आप तो साल में एक बार आते हो बेंच। लेकिन खबर सारी रहती है, तुमने इस साल अपने बाप से 500 बार झूठ बोला है और तुमने तो इस साल 800 बार मेकआउट किया है। क्या है? अपने हाथ के साथ ऑन एन एवरेज दिन में 2 बार हिलाता है, इतना वेला है क्या? फटाफट मांग लो जो मांगना है। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे मेरी बुलेट में से पेट्रोल निकाल लेते हैं, पिछली बार भी ISBT बस लेकर जाना पड़ा था। हर बंदी को वैसे चॉकलेटी बॉयज पसंद है, तो मुझे भी चॉकलेटी बॉय बना दो। मैंने इस साल बहुत झूठ बोला है ना, अब मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकले। इनफैक्ट अब इस घर में सब लोग सच बोले। As you wish, see you बच्चों। अस्तला विस्तला मुर्की दे सादी। तड़ी मादी जे ओ। बेंचो कहाँ है? और ये किसने रखा? मत खा बेंचो, मैं हूँ। वो बुढ़े ने मुझे सच में चॉकलेटी बॉय बना दिया। क्या? और बेटा क्या किया इतने दिन? अरे बहुत रोया है, प्रिया को घर लाता था, सब लोग के सो जाने के बाद उसको चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता था। ये क्या बोल रहे हैं? उसको छोड़ो, ये बताओ ये किसने काटा? काटा किसी ने नहीं, वो पार्टी के बाद मिस्टर होला ने इंजेक्शन मार दिया था। कौन सा इंजेक्शन? बेहोशी का। तो पहले क्यों झूठ बोला? मुझे तो उस रात के बाद कुछ याद ही नहीं था, लेकिन पता नहीं अब अचानक मुंह से क्या क्या निकल रहा है। बेटा ये क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। अभी मेरा नुन्नू है वो। अरे मेरा कद्दू खेल है। मैं तेरी बहन का साले गुस्सा क्यों यार नाजिम, तू छठा नंबर बुरा थोड़ी हो बे है। विराट कोहली भी तो छठे पावे, कितना मारा है वो। आजकल तो कुछ और ही मार रहे हैं वो।
चलो गुंडी बातें, रात को होंगी गुंडी गुंडी बातें, चलो खिलाओ। अबे काय का आउट है नाजी, अबे क्रिस से बाहर खेल लिया, पिच तो देख ले कहाँ है, क्रिस से बाहर खड़ा था नाजी मैं। चलो बस, और तू फटाफट कैब बुक कर दे, और तू एक जीजाजी की फोटो भी रख ले साथ में, ठीक है, और दीदी को संभालने की जिम्मेदारी तेरी, किसकी, मेरी। अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, जो जो जरूरी सामान है वो यहाँ लेके आ जाओ, जरूरी सामान से मेरा मतलब लड़की नहीं है। अगर हमें जीजाजी पहले मिल जाते तो तेरी माँ को फोन करके बता देंगे, ठीक है, अगर हमारे जाने के बाद जीजाजी घर आ जाए तो तू तुरंत मुझे बताएगा, ठीक है, और जीजाजी अगर आपको जीजाजी मिल जाते तो आप मुझे बता देना, ठीक है, और जीजाजी उम्र सारी। कहाँ जा रहे हो? अरे जीजाजी कहाँ थे, कल आने वाले थे ना यार, वो फ्लाइट मिस हो गई, फोन करके बता नहीं सकते थे, पता है घर में क्या सिचुएशन चल रही है, इसका रो रो के बुरा हाल है, ये तो नल्ला है, वो दो दिन से अपना काम छोड़ के इधर बैठा है, दीदी तो दो दिन से बस सावधान इंडिया के रिपीट टेलीकास्ट देख के डर रही है, दो बार तो मुझे शक की निगाहों से देखने लगी, सुबह सुबह खड़ी रहती थी मेन गेट पे तुम्हारी राह देखते हुए, अखबार वाले को लगता था उसके लिए खड़ी है, भूतनी का शर्माते हुए पेपर डाल के जाता था, सब्सक्रिप्शन कार्ड साले का। अरे कोई जिम्मेदारी बनती नहीं बनती तुम्हारी, एक बार फोन कर देते, किया तो था, जब तुझे कॉल किया था तब मेरे फोन में बैटरी बहुत कम हो गई थी। ये गले में क्या हुआ है? और वहाँ कहाँ? हिक्की। ओ ये यार, वहाँ के मच्छर ना बहुत खून चूसते हैं। बैंकॉक में सर मच्छर नहीं चूसते। मतलब अंकल कैफर हाँ ट्रिप अच्छा था यार, वहाँ की ना हवा में वो है ठरक, ना ना हवा में काफी उत्साह है, सड़क पर काफी खुशियां हैं, फुदियां भी। क्या? अरे पापा आप जाओ ना, आराम करो ना। हाँ आप जाओ। बेटा तेरा बाप पक्का कुछ गड़बड़ करके आया है। नहीं मामा, क्या पता सच में मॉस्किटो बाइट हो। उस हिसाब से तो तेरी मामी भी मच्छर हुई, तो क्या मैं मॉर्टिन पीऊं? आपकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे दोस्तों के कमरे में सचिन, गांगुली, अजहरुद्दीन के पोस्टर होते थे, लेकिन तेरी मामी सिर्फ मेरे कमरे में आती थी क्योंकि मेरी दीवार पर राहुल द्रविड़ का फोटो होता था, वो समझ आती थी पीछे लंबा टिकेगा। तेरी भी तो लव लाइफ सही है। दूसरों की लव लाइफ में दिल मिलते हैं पर मेरी लव लाइफ में पलंग हिलते हैं। हाँ गुल्लू, बड़ी ही देर में नंबर आया भाई साहब, मैं बता रहा हूँ जिसका बल्ला होता है ना पहले उसे खिलाते हैं, ये ना इंसाफी है यहाँ पे, और देख लेना एरोप्लेन तो ना कहीं ऊपर, वहीं मारता हूँ शॉट में डायरेक्ट, ये तो छोटे मोटे ग्राउंड में खेल रहा हूँ मैं, खेलता थोड़ी हूँ तुम्हारे साथ। तेरे पास ना खेलना ला। ना, ना आज खेल लूंगा मैं, आज खेल लूंगा, चल बस करा। दिखना रही यार, क्या चील ले गई क्या इस बार, ला बल्ला दे दे, उसका नंबर आया। अबे स्ट्रेट पे लगने बोला है, घर चला गया। रोक ले कोई यार या। अबे इसकी बहन का क्रिकेट हो रही है, ये क्या हो रही है तेरी, गली थोड़ी होगी, एरोप्लेन ले जाए इधर से, भोफड़ी के ट्रक निकाल ले, पटाके डालिए पटाके, चलो बहुत बढ़िया, रोक ले नायक जी, रोक ले। मैं बता रही हूँ बच्चे पैदा होने लगेंगे, हम मैयत निकल रही है, किसी का बाप नहीं निकल के जाएगा, तू बोल करा बोल का बाप। अरे इसकी बहन का साला, बहन का कुंभ का मेला हो गया, ये गली होगा हालत देख ले, नाजिम मोहल्ला थोड़ी हो गया, ये पर्यटन स्थल हो गए, मैयत निकल रही है ना, वो मोटरसाइकिल हवाई जहाज निकलने लगेंगे कुछ देर बाद। अबे क्या 26 जनवरी की तैयारी कर रहा, ये 15 अगस्त की कर रहा, बुड्ढे इधर देख पापा। Oh, shit. It's going down for it.